टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में होती है मॉनेटरी मतलब हमारी किससे रिलेटेड टू मनी से, ठीक है। मॉनेटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी। देखो इसकी छोटी सी एक पॉइंट पढ़ते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी देयरफॉर इज सच पॉलिसी विच रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर में क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, अब इसका मीनिंग बताएंगे। इस चैप्टर में जो हमने पढ़े थे क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमने पढ़ा था कैश रिजर्व रेशियो, हमने बहुत कुछ पढ़ा था। सो देखो क्या होता है, हमने जो पढ़े दो मेथड्स अपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसमें हमने पढ़ा कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुरी लिक्विड रेशियो SLR, कैश रिजर्व रेशियो, ये हमने बहुत सारे रेशियो पढ़े। ये किसको कंट्रोल करने के लिए थे, ये कंट्रोल करने के लिए थे हमारे इन्फ्लेशन, हमारी महंगाई और हमारी मंदी को। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी में भी वही सेम चीजें रिपीट करेंगे अपना, ठीक है। इसमें पहले इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद हमारे दो मेथड्स हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जो हम नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, नहीं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेंगे लास्ट में जब पेपर के टाइम पे। और हम इसमें पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस और इसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फर्स्ट है हमारा मीनिंग, एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, पहले तो हम ये देखें। मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी, हमारा पैसा, पैसे की भी सप्लाई होती है। जैसे मैंने आपको आरबीआई में बताया था कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास मशीन है, वो चाहे 10 के नोट छापे, चाहे 2000 के नोट छापे, चाहे वो 50 के छापे, उसको वो रोक टोक है, बिल्कुल है हमारी सेंट, हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इन सबके कंट्रोल से होता है हमारा मनी का सप्लाई, यही कह रहा है। द मॉनिटरी पॉलिसी देयरफॉर इज सच पॉलिसी विच रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारी वैल्यू ऑफ मनी है किसमें, सप्लाई ऑफ मनी, पैसों की सप्लाई ऑफ क्रेडिट, जो भी हम लोन देते हैं, फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये हमारी मॉनिटरी पॉलिसी, इसके आगे हम भी बहुत कुछ पढ़ेंगे हमारी मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में। नेक्स्ट हमारा मीनिंग, अभी हम मीनिंग पे हमने एक डेफिनेशन पहले पढ़ी, अब हम इसका थोड़ा सा देखते हैं एक्चुअल में है क्या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है मंदी, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है महंगाई, डिफ्लेशन क्या होता है मंदी, ऑफ क्वांटिटी ऑन मनी इन सर्कुलेशन बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री फॉर अटेनिंग एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट, फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स टर्म्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो इसको समझते हैं धीरे से, हमारा डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन ऑफ क्वांटिटी ऑन मनी। बेटा जब हमारे पास बहुत सारे पैसा होता है, हम 10 रुपए वाली चीज भी 25 रुपए में लेने के लिए तैयार होते हैं, वो कंडीशन होती है हमारी इन्फ्लेशन की, महंगाई बहुत है और हमारे पास खरीदने की ताकत भी है, ये होती है मंदी। जब हमारे पास खरीदने की ताकत नहीं होती और हमारी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, हमारी डिमांड बहुत कम होती है, ये ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी से रिलेटेड इन सर्कुलेशन बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट हमारी, ठीक है, और सेंट्रल बैंक कौन सा, हमारा आरबीआई ऑफ द कंट्री। सर्कुलेट कौन करता है ये दोनों चीजें, ये सबको सर्कुलेट कौन करता है, ऑन मनी इन सर्कुलेशन बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री फॉर अटेनिंग एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, किसी भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस की स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट, हमने जो फॉरेन रेट पढ़ा था, आज हमारा डॉलर, अगर हम एक डॉलर खरीदते हैं तो हमें 70 रुपीज देने पड़ते हैं, और लेकिन हम अगर हम फॉरेन जाते हैं, ठीक है सपोज, लेकिन जब वो हमारे यहाँ आते हैं वो हमें एक डॉलर देते हैं और हम उनको 70 रुपए की चीज देते हैं, फर्क है। फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक का हमारा अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट होना इज टर्म्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट है इसको मीनिंग, द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी एक्सप्लेन इन अ ब्रॉड सेंस, हम बड़े सेंस में भी पढ़ते हैं इसको और इन द नैरो सेंस जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके दोनों के मीनिंग ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, एक्चुअल में इन्फ्लेशन की आपको डेफिनेशन बता दूंगी होता क्या है जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, और डिफ्लेशन होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी, द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी एक्सप्लेन इन ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस, ब्रॉड सेंस में कैसे, द मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लाइज द मॉनेटरी पॉलिसी अलॉन्ग विद द स्टेप टेकन टू मैनेज द मनी क्रेडिट सप्लाई एंड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल इंटरेस्ट रेट, हमारे इंटरेस्ट रेट जो मैंने बताया बेटा,
इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रॉड सेंस में, नैरो सेंस में देखो, इट रेफर्स टू द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग अथॉरिटीज टू मैनेज द मनी क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। सेम है, मीनिंग दोनों का सेम, लेकिन हम इनको थोड़ा थोड़ा नाम दे दिया, इनको ब्रॉड सेंस में, ये ब्रॉड सेंस में और ये नैरो सेंस में, मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है। कि हम मॉनेटरी पॉलिसी क्यों करते हैं, जिससे हमारा जो सप्लाई ऑफ मनी है एक्चुअल में वो कंट्रोल रहे, किस कंडीशन में, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। बस नेक्स्ट देखो, बहुत दिन से कर रहे हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, देखो इसका हम जनरल से मीनिंग समझते हैं, एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। देखो इन्फ्लेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सफतीकरण, ठीक है। इट मींस द जनरल लेवल ऑफ प्राइस इज गोइंग अप, कि जो हमारा प्राइस है, जनरल लेवल ऑफ प्राइस मतलब जो हमारा नॉर्मल प्राइस है उससे बढ़ रहा है। मनी, मोर मनी विल बी नीडेड टू पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हम एक ब्रेड ला रहे हैं, हम पहले ला रहे थे 20 की, अब हम वो ब्रेड ला रहे हैं 25 की, हमें 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। जहां हमारी 20 रुपए की एक ब्रेड आ रही थी, वो हमारी 25 रुपए की आ रही है, तो हमें मोर मनी देनी पड़ रही है। हम दे भी हैं, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इन दिस केस द डिमांड ऑफ गुड्स इज मोर, जो डिमांड है गुड्स की ज्यादा है एज रिलेटेड टू सप्लाई। हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था, ऐसे ही कुछ होता था कि जब हमारी गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तुम्हारे प्राइस बढ़ नहीं जाते, वो वाली कंडीशन, तो ये वही कंडीशन और हम लेने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। तो ये हमारी हुई सफतीकरण, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, इट मींस द जनरल लेवल ऑफ प्राइस इज गोइंग अप, मोर मनी विल बी नीडेड टू पेड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। इन दिस केस मनी, इन दिस केस डिमांड ऑफ गुड्स इज मोर एज रिलेटेड टू सप्लाई। नेक्स्ट देखो, डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन दिस केस द डिमांड ऑफ गुड्स लेस एज रिलेटेड टू सप्लाई। देखो क्या हो रहा है, हमने बड़ा महंगाई, ये है मंदी, ठीक है। ये क्या है, हमारी मंदी। अब इसमें क्या होता है, हम अब 20 रुपए की ब्रेड ला रहे हैं, वो मनी आ गई 17 रुपए की, कितने में आ गई 17 रुपए में, तो ये फर्क है, हम अब लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ब्रेड के प्राइस कम हो गए और हम लेने के लिए भी तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये चीज देखो, ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन पड़े थे ना, वो आएंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन देखो, हमारे प्राइस भी कम हो गए इन द ऑफ गुड्स, इन दिस केस द डिमांड ऑफ गुड्स इज लेस हो गई एज रिलेटेड टू सप्लाई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। दोबारा देखते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, जो हमारा जनरल लाइज ऑफ प्राइस इज गोइंग अप, प्राइस बढ़ रहा है, ज्यादा पैसा चाहिए एक चीज को लेने के लिए, ये हमारी महंगाई। दूसरा डिफ्लेशन, डिक्रीज हमारा प्राइस कम हो रहा है गुड्स का, फिर भी हम नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, मंदी है, हमारा काम ही नहीं चल रहा, ठीक है। ये था हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। इसी को ही कंट्रोल करने के लिए हमारी क्रेडिट पॉलिसी जो हमने पढ़ी, दो पॉलिसी हमने, जो दो मेथड पढ़े, ठीक है, आरबीआई के अंदर भी थे कि वो क्रेडिट कंट्रोल को कैसे करती है, क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने दो मेथड पढ़े थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सेम मॉनेटरी पॉलिसी भी यही होगी और हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है क्रेडिट क्रिएशन, वो भी यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पांच ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, जो हमारा प्राइस है उसकी स्टेबिलिटी रहे, ज्यादा ना ज्यादा हो किसी भी चीज का प्राइस, ना कम हो, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, जो हमारा पैसा है, जो हमारी मनी है उसकी न्यूट्रलिटी रहे। एक्सचेंज स्टेबिलिटी, ये फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब फुली एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब हमारे यहाँ पे कोई बेरोजगारी ना हो, पूरे तरीके से सब क्या हो, एम्प्लॉयड हो। इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती ही रहे, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो मेथड्स हैं हमारी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, एक लास्ट टाइम हम पेपर के टाइम रिवीजन कर लेंगे, ओके। हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हमारा फर्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्य स्थिरता, कि जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसकी जो मूल्य मतलब हमारा प्राइस जिसमें हम खरीद रहे हैं वो स्थिर रहे, ना ज्यादा कम रहे, ना ज्यादा रहे किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू द चेक एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल,
एक्सेसिव इंक्रीज है तो ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा ही कम हो जाता है. प्राइस स्टेबिलेशन इज सपोज टू हेल्प द इकोनॉमी टू बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन. अब बेटा देखो फ्लक्चुएशन इसका क्या मतलब है, इस तीन लाइन्स का. ऐसा होता नहीं है जनरली. हमारा एक प्रोडक्ट है, पहले हम एक रुपए में बहुत कुछ ले लेते थे, 10 पैसे की भी चीज आती थी, 50 पैसे की भी आती थी, 25 पैसे की भी आती थी, ठीक है पहले के टाइम में. लेकिन आज 1 रुपए की एक टॉफी आती है, एक क्लेयर्स आती है, ठीक है वो है. अब हमारी चीजों के प्राइस बढ़ चुके हैं, क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं. तो वो यही कह रहा है प्राइस ऐसा रखो किसी भी मूल्य स्थिरता, मूल्य की स्थिर रखो, मूल्य को ज्यादा बढ़ाओ ना, ठीक है. इसका क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. प्राइस स्टेबिलाइजेशन इज सपोज टू हेल्प द इकोनॉमी टू बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लिक फ्लक्चुएशन. 10 का 20 कर दिया, क्यों बढ़ता ही जा रहा है प्राइस, वो कम होने पे ही नहीं आ रहा है वो चीज, ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक, अगर हमारा प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर हमारा प्राइस स्टेबल रहेगा किसी भी चीज का, तो हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल रहेगी. प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इट विल ऑल्सो इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिड्यूस द इकोनॉमिक इक्वालिटी डेयर बाई मैक्सिम इकोनॉमिक वेलफेयर. बेटा देखो एक पनीर है, आज की डेट में पनीर हम लोग तो खाते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज भी खाती है, रिच पर्सन विल ईट. लेकिन क्या एक पुअर, एक गरीब जो अपनी डेली की वेजेस पे काम करते हैं, मजदूर, क्या वो रोज का 300 रुपए किलो, 280 रुपीज केजी पनीर खा सकते हो? नहीं, उनकी इतनी इनकम ही होती है कि वो शाम को. इट ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अगर हमारा प्राइस स्टेबल होगा किसी भी चीज का, तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबल आएगी. एक टाइम आएगा कि हमारा जब प्राइस स्टेबल हो जाएगा किसी भी गुड्स और सर्विस का, तो हमारी इकोनॉमिक भी स्टेबल हो जाएगी. इट विल ऑल्सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस द इकोनॉमिक इक्वालिटीज. अब हमारे यहाँ गरीब अमीर बहुत है, अमीर तो अमीर बनता ही जा रहा है, गरीब गरीब ही बनता जा रहा है, ये चीज हमने पढ़ी है. रिड्यूस द इकोनॉमिक देयर बाय मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है. हम ऐसे सामान ऐसे गुड्स बनाए कि एक गरीब भी खरीद सके और हम भी खरीद सके और एक अमीर भी खरीद सके, ठीक है. ये सब चीजें है प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है. प्राइस स्टेबल होना चाहिए किसी भी गुड्स का, ठीक है. इन्फ्लेशन में हम प्राइस बढ़ा देते हैं, हम खरीद भी लेते हैं. मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था 20 रुपए की ब्रेड हम 22 रुपए में भी खरीद रहे हैं, 25 रुपए में हो गया वो भी खरीद रहे हैं. अब वही 20 रुपए की ब्रेड डिफ्लेशन में हम 17 रुपए की भी नहीं खरीद रहे क्योंकि मंदी है, ये कंडीशन, ठीक है. प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है. हमने फर्स्ट पढ़ा था प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता, कि हमारी मूल्य में स्थिरता रहनी चाहिए. अब दूसरा पढ़ रहे हैं एक्सचेंज स्टेबिलिटी, विनिमय स्थिरता. विनिमय हमारी जो इकोनॉमिक एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, विनिमय, उसमें स्टेबिलिटी रहनी चाहिए. मतलब आज हमारा $1.70 का है, कल हमारा $1.100 का हो गया, परसों $1.150 का हो गया, बढ़ते 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 से 500 में चला जाए, ऐसा नहीं हो. $1 आज हमारा 10 रुपए का है, फिर 3 रुपए का हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है. 1947 जब हमारी हिस्ट्री आई थी इंडिपेंडेंस में, तब हमारा $1 1 रुपए के बराबर था, लेकिन आज $1.70 के बराबर है बेटा. 70 रुपए मतलब हम 70 गुना पीछे हमारे अमेरिका और जहां पर डॉलर की करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी. अभी क्या है, एक्सचेंज स्टेबिलिटी, विनिमय स्थिरता. हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसमें सेकेंड है हमारा एक्सचेंज स्टेबिलिटी. द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर द ओपिनियन दैट द मॉनेटरी अथॉरिटी शुड बी एलिमिनेट, ठीक है. द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फोर्सेस ऑफ एक्सचेंज रेट, वंस देयर इज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इट विल डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी. फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट विल बी इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक प्राइस. द रेट आर अलाउड टू फ्लक्चुएट विद इन अ रीजनेबल रेंज एज डिटरमाइंड बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. IMF की फुल फॉर्म लिख लेना लास्ट में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्या है एक्सचेंज स्टेबिलिटी, विनिमय स्थिरता. जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है शुड बी एलिमिनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फोर्सेस ऑन द एक्सचेंज रेट. वंस देयर इज द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी. लेकिन क्या होता है बेटा, आज हम इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो सब चीजें हमारी बहुत इम्पेक्ट होती है इसमें. अगर हमारा थोड़ा सा भी, वंस एक बार अगर हमारा थोड़ा सा भी रेट फ्लक्चुएट हुआ, तो हमारी गवर्नमेंट के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारी जो इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, उसको स्टेबल रखना, ठीक है. फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट विद इम्पैक्ट हमारी जो डोमेस्टिक प्राइस है,
रुपए उसको भी इम्पेक्ट करते हैं कौन फ्लक्चुएशन, ठीक है। द रेट आर अलाउड टू फ्लक्चुएट विद इन अ रीजनेबल रेंज एज डिटरमाइंड बाय आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो हमारा क्या करता है, रेट डिसाइड करता है फ्लक्चुएटेड टाइम टू टाइम, ठीक है। कि हमारा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हम इंटरनेशनल पढ़ लो तो क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दोबारा देखते हैं क्या है। विनिमय स्थिरता, कि हमारी एक्सचेंज स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है, एक्सचेंज में स्टेबिलिटी। द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर द ओपिनियन फॉर द आर ओपिनियन, जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज शुड बी एलिमिनेटेड, जो हमारे एक्सचेंज रेट है उनको थोड़ा कम करना चाहिए। वंस एक बार अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आ गया तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंट्रोल करना हमारी डोमेस्टिक कंट्री को, गवर्नमेंट के लिए भी, स्पेशली आबिया गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री में एक्चुअली वर्क करते हैं हमारी क्रेडिट कंट्रोल के लिए, ठीक है। यस, हमारा चैप्टर नंबर 5 मॉनेटरी पॉलिसी इनकम्प्लीट रह गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हमने 5 देखे थे, जिसमें से हमने 2 कंप्लीट किए थे, प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये पढ़ेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी थी इसलिए वो इनकम्प्लीट रह गई थी, नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, हम एक बार रिमाइंड करते हैं कि एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है, हमारी मनी से। ये किसको कंट्रोल करती है, हमारी क्रेडिट को, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन सबको कंट्रोल करती है, कंट्रोल कौन करता है इसको, आरबीआई और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हम पढ़ चुके थे, प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य में स्थिरता और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। विनिमय में स्थिरता हम 2 पॉइंट पढ़ चुके थे। फुल एम्प्लॉयमेंट, हमें वो चीज समझ आ रहा है कि हमारी मॉनिटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, सबको बेरोजगारी मिले। अब देखो क्या कह रही है जेम कीन्स, एक ऑथर का नेम है जेम्स कीन। अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि हमारा पूरा एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट रहे, कोई भी बेरोजगार ना रहे, ठीक है। इट इज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन विच ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। आ फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इज बाउंड टू रीच द पीक ऑफ प्रोस्पेरिटी। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट रेट इन सच अ वे द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। बट एनकरेजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट मोर द मॉनेटरी अथॉरिटी शुड रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, बट द गवर्नमेंट शुड नॉट अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। लास्ट लाइन हमें कुछ समझ आई है, ये हमें कुछ भी समझ नहीं है, क्या लिख रखा है एक्चुअल में, मैं समझाऊंगी। देखो लास्ट लाइन एक बार पढ़ो, सारा समझ आ जाएगा। बट द गवर्नमेंट शुड नॉट अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। आज हम कहते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था जब डिमोनेटाइजेशन आया था कि 50 दिन की दिक्कत है, ठीक है, ये मैं 3 साल में पूरी दिक्कत खत्म कर दूंगा, किसकी, हमारी नोटबंदी की, 500 और 1000 की, ठीक है। और उसने कहा था कि हर एक बंदा क्या होगा, सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। लेकिन वो हमारे अचीव नहीं हो पाया हमारी कंट्री में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जेम्स कीन ने क्या कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये वो स्टेट है इकोनॉमी का इन विच ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, क्या होने चाहिए, जितने हमारे रिसोर्सेज है वो सारे यूटिलाइज होने चाहिए। एट फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज बाउंड टू, जब हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज है, मेरा एक बिजनेस है, मेरे सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा चल रहा है, मेरे जो जितने भी वर्कर्स है वो अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे जो जितना भी काम है वो अच्छा चल रहा है, तो वो मेरा प्रोस्पेरिटी का पीरियड होगा ना। हमने बिजनेस साइकिल थोड़ी बहुत हमें पता होगी कि जब हम स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस तो थोड़ा रिसेशन में होता है, उससे कवर होते, एक टाइम में अपने प्रॉफिट पे गेन कर लेते हैं, पहले तो हम लॉस में चल रहे होते थोड़े टाइम, फिर हमारा कंडीशन आती है नो लॉस नो प्रॉफिट, प्रोस्पेरिटी की वो कंडीशन होती है, पीक ऑफ प्रोस्पेरिटी मतलब सिर्फ हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब देखो क्या हो रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना हमने कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर लगाया, जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट, इन सच अ वे रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, ठीक है। ऐसे हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होंगे, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग अ प्राइवेट सेक्टर। अब हमें अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट मोर, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर है, जो एक्चुअली हमारे इंडिया को चला रहे हैं, वो इन्वेस्ट करें,
द मॉनेटरी अथॉरिटी शुड रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, उनको अपने इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ेंगे। अब इंटरेस्ट रेट से क्या मतलब है इसमें, कैश रिजर्व रेशियो, इन्फ्लेशन में हम बढ़ा देते हैं, डिफ्लेशन में हम कम कर देते हैं, SLR, ठीक है, स्टैचुटरी लिक्विड रेशियो, ये बहुत सारे हमारे रेशियो है, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, ठीक है। तो ये सब था फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, इसको हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक विकास। इकोनॉमिक को क्या कहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था, उसकी ग्रोथ, मतलब आर्थिक विकास, ठीक है। आप देखो क्या है बेटा, हमने तीन पॉइंट पढ़े अपने, प्राइस स्टेबिलिटी, और हमने अभी फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, प्राइस स्टेबिलिटी पढ़ी, एक्सचेंज की स्टेबिलिटी। जब ये तीनों चीजें, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा है, फुल सब लोग काम कर रहे हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है, मतलब कोई भी गरीब नहीं है, सबके पास पैसा है, ठीक है, हमारा प्राइस सब चीजों का प्राइस में स्टेबिलिटी है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, कम ना ज्यादा, ज्यादा प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का, उसके बाद तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, कैसे नहीं होगी, ठीक है। तो यही मॉनेटरी पॉलिसी का हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है, रियल नेशनल इनकम, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जब हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट है। नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से हम कैलकुलेट करते ही नहीं अपनी नेशनल इनकम, ठीक है, ये भी कभी टॉपिक पढ़ेंगे एक्चुअल में नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। रियल नेशनल इनकम, ठीक है, जब हमारे पास पूरा अपना फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसके बाद हमारी जो इनकम है, जो नेशनल इनकम है, बढ़ेगी कम होगी, उसी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डिसाइड होती है, ठीक है। जेएल जॉनसन एक ऑथर थे, जेएल जॉनसन इकोनॉमिक्स, ग्रोथ रेफर्स टू द रेट ऑफ एक्सपेंशन इज नेशनल इनकम, INI इज योर नेशनल इनकम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंट्री, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिटरमाइंस द रेट ऑफ रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इंक्रीजेस। बहुत सिंपल सी तीन लाइन हमने पढ़ी, क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसको रेफर्स करती है, एक्सपेंशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ प्रोडक्शन, हमने भी बताया कि जो भी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से जो भी होती है, वो गुड्स में भी होती है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और सर्विसेज में भी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है मतलब आर्थिक विकास, डिटरमाइंस द रेट, किसका डिटरमाइन करती है, रेट एट विच द रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इंक्रीज, जो हमारा रियल स्टैंडर्ड है किसका लिविंग का, वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल था इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था क्या, प्राइस स्टेबिलिटी, सेकंड हमने पढ़ा था एक्सचेंज स्टेबिलिटी, थर्ड हमने पढ़ा फुल एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ हमने पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा है मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, बैलेंसिंग इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, सुटेबल इंटरेस्ट रेट और प्राइस स्टेबिलिटी। बहुत सिंपल सर, हमने इसको इंग्लिश में पढ़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास, एक ही चीज है, डेवलपमेंट बोल लो चाहे ग्रोथ बोल लो, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले पॉइंट में, ठीक है, ये वो पॉइंट है, इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण करना, ठीक है, बैलेंसिंग इन सप्लाई एंड मांग और आपूर्ति में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सुटेबल इंटरेस्ट रेट, उपयुक्त ब्याज दर होना चाहिए, ठीक है, जो हमने पढ़ा था, प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता, ठीक है। बहुत सिमिलर है हमारी इंपॉर्टेंस, अभी तीन इंपॉर्टेंस और है, ठीक है, 8 है टोटल। बहुत सिंपल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने पढ़ा, आर्थिक हमारा विकास कब होगा, जब हमारे पास पूरा क्या होगा, पूरी बेरोजगारी होगी, ठीक है, सब लोग बेरोजगारी नहीं होगी जब, ठीक है, तब पूंजी का निर्माण, ठीक है, बैंक में ज्यादा से ज्यादा पैसा डालो, पूंजी का निर्माण, ठीक है। बैलेंसिंग किसमें होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई में, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन वाली कंडीशन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुटेबल इंटरेस्ट रेट, उपयुक्त ब्याज दर होना चाहिए, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी, जो हम जो डिमांड कर रहे हैं किसी भी कोई भी चीज की सप्लाई हो रही है मनी की, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब कोई भी हमारा कोई भी चीज है उसकी मूल्य स्थिरता होना, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी मतलब ना किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा होना चाहिए ना मूल्य कम होना चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है। ये है, तीन और है हमारे भी।
नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंस अब तीन ही बची हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट एक्सपेंसेस, स्टेबिलिटी. फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूर्ण रोजगार, जो पहले अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा, ठीक है. क्रेडिट एक्सपेंशन, क्रेडिट का विस्तार करना. स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज, हमने क्या पढ़ा था, विनिमय में स्थिरता, विनिमय दर में स्थिरता, बात हुई है. स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, हमारा एक रुपए वहां का, हमारा जो 70 रुपए वहां का $1, अगर हम कहीं अमेरिका में जाते हैं और हम अपना अगर $1 खरीदते हैं वहां पे खर्च करने के, वो हम अपने 70 रुपए देने पड़ेंगे. और अगर वो इंडिया में आते हैं और हमें अगर $1 देते हैं तो हमें उनको 70 रुपए का सामान देना पड़ेगा, ठीक है. ये चीज है, हमें उनको 70 रुपए देने पड़ेंगे. फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, ठीक है. क्रेडिट का विस्तार, क्रेडिट एक्सपेंशन. स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट मतलब विनिमय में दर में स्थिरता, ठीक है. अब हमारे चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 में हमारे 6 चैप्टर है, एक बच रहा है. उस ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद ये देखना, मैं आप इसके बाद मैं आपको बताऊंगी यूनिट 1 में कितने चैप्टर्स थे और हमने कितने कंप्लीट कर लिए, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना.